हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड और बीटीसी या बीएसटीसी या डीलेड आप जिसको कहते हैं, इसका विवाद जो है वो काफी समय से चल रहा है। 8 महीने हो चुके हैं एक फैसला आने के लिए, क्योंकि कहा गया था कि जुलाई के एंडिंग तक जो है वो बिल्कुल फैसला आ जाएगा, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन जो है वो केवीएस पीआरटी रिजल्ट से लेकर है। अभी अगर पीआरटी रिजल्ट नहीं आ पाया है तो काफी भर्तियां जो है इस वजह से अटक गई हैं। केवीएस पीजीटी टीजीटी सबका रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू हो चुके हैं, पोस्टिंग भी जो है स्टूडेंट्स को मिल चुकी है। यहाँ पीआरटी वाले जो बच्चे हैं अभी भी वेट कर रहे हैं कब रिजल्ट आएगा, कब जो है वो हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। और इसकी वजह से जो है वो ऑल इंडिया में जो वैकेंसी है वह भी कहीं ना कहीं जो है वो अटकी हुई है, क्योंकि यहाँ जो सीधा कनेक्शन है कि प्राइमरी वाले जो है वहां पर बीएड वाले एलिजिबल नहीं हो सकते। प्राइमरी में केवल बीटीसी डीलेड या बीएसटीसी वाले ही एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर जो बीएड जिन्होंने किया हुआ है तो वो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जो एलिजिबल जो है बिल्कुल करें। यहाँ पर कहा गया था 6 महीने का ब्रिज कोर्स अगर आपने कर लिया तो आप प्राइमरी लेवल में बीएड वाले भी एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन अभी तक वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी नहीं कराया गया है। बीटीसी वाले बच्चे जो हैं उनका बिल्कुल सही कहना है ये कि हम जो है प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं उसके लिए हमने जो है कोर्स किया है तो हम यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। दोनों ही स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि कई समय से जो है भर्तियां नहीं आई हैं। ऐसे में जो है वो बीएड वाले भी जो है बेरोजगार हैं, बीटीसी वाले भी बेरोजगार हैं। जहां भी वैकेंसी निकलती है बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। अब कल जो है इसकी सुनवाई खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया, तो यहाँ पर जो है वो हम कल की जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती 2023 प्रथम लेवल बीएड वर्सेस डीलेड केस की सुनवाई आज कोर्ट नंबर 6 जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में आइटम नंबर 20 पर हुई। सुनवाई में एनसीटी अधिसूचना रिजर्व फैसले पर भी चर्चा हुई और सुनवाई के बाद नेक्स्ट डेट 2 सप्ताह बाद की जो है वो डेट इन्होंने दे दी है। अब इनको 8 माह जो है वो कम पड़ गए थे, इसीलिए इन्होंने आगे जो है वो 2 सप्ताह और जो है समय ले लिया है। तो इस पर जो है वो आपको या तो मजाक लगेगा या आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि 8 महीने होने के बाद भी जो है वो अब जजमेंट के लिए इन्हें और समय चाहिए। अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होगा जजमेंट। इतना समय जो है वो बच्चा जो है कितना जो है वो वेट करे, पहले रिजल्ट का वेट करे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो है वेट करे कब इंटरव्यू की डेट आएगी, फिर जो है उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में जो आगे की जो भर्तियां हैं वहां उसे जाना चाहिए या नहीं चाहिए, सारी चीजें जो है यहां पर रह जाती हैं और बच्चा सोच ही नहीं पाता है। इनको एक फैसला देने के लिए इतना समय क्यों लगता है, ठीक है? किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरवाने के लिए आप एक नोटिफिकेशन निकालते हो, लास्ट डेट निकालते हो और फैसला वहां खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर फैसले के लिए आपके 8 महीने जो है वो कम पड़ गए, अभी आपको और समय चाहिए। कल जो है क्या हुआ कि कल एक जस्टिस जो है वो प्रेजेंट ही नहीं था, तो इसमें बच्चे की कोई भी मिस्टेक नहीं है। प्रेजेंट नहीं था तो और भी कोई अल्टरनेट हो सकता है। रिजल्ट के बारे में आप लोगों को जो बिल्कुल पक्की न्यूज है वह आपको देनी चाहिए थी, डेट जो है वो नहीं देनी चाहिए थी। कोई भी जो फैसला है वो आपको बताना चाहिए था कि बीएड वाले जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे अगर 6 महीने का जो है वो ब्रिज कोर्स करेंगे, तो अब जो है ये आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स फटाफट से कर लें और आप एलिजिबल हो जाएं, क्योंकि बच्चे ने मेहनत बहुत की है। यहाँ ना तो इस चीज का फैसला आया है कि ब्रिज कोर्स जो है वो कब होगा, कब से स्टार्ट होगा, किसी भी तरीके का कोई भी जवाब नहीं मिला है। बस मिला है तो डेट मिली है कि आगे जो है अगस्त के पहले सप्ताह में अब जो है वो जजमेंट जारी किया जाएगा। इससे बहुत सारी भर्तियां जो है वो अटकी हुई हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बार जो है वो लिस्ट भी दिखाई थी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी टीजीटी के जो सीट है तो उसके लिए जो अगला विज्ञापन है वो जारी हो, इस वजह से जो है विज्ञापन जारी ही नहीं हो पा रहा है। और पीजीटी टीजीटी और पीआरटी सभी में जो है वो वैकेंसी अभी भी खाली है, ठीक है? तो केवीएस की तरफ से जो भी न्यूज होती है मैं आप लोगों को जो है वो देती रहती हूँ, लेकिन ये जो सुनवाई होती है और उसके बाद कोई भी फैसला नहीं आता है तो इस चीज से मुझे भी जो है वो बहुत परेशानी होती है कि ये जो है वो एकदम क्या मजाक चल रहा है बच्चों के साथ। तो तारीख ना देकर जो है इनको फाइनल डिसीजन पर आना चाहिए। तो आगे अगर कोई अपडेट आती है तो जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।